हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज जो डेली करंट अफेयर्स 5 और 6 सितंबर का है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूएस एंड 10 एशियन नेवीज बिगिन फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो यूएस ने 10 जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर अपनी पहली मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। और जो मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट की है उसका नाम क्या है, AUMX, मैंने अंडरलाइन कर दिया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वेलकमिंग द वर्ल्ड। तो जो 2022 का कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसका यहाँ पर लोगो जारी कर दिया गया है। तो पता होना चाहिए कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है, तो कतर में होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2019 इज बिगिन कंडक्टेड एट वाशिंगटन द यूएसए बीइंग सॉरी दोस्तों बीइंग कंडक्टेड एट वाशिंगटन द यूएसए फ्रॉम 5 to 18 September 2019। तो जो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है वो स्टार्ट हो गई है, कहाँ पर हो रही है, वाशिंगटन यूएसए में, अमेरिका में हो रही है। और किसके बीच में होती है युद्ध अभ्यास, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वियना क्राउंड मोस्ट लिवलेबल सिटी। तो वियना को सबसे अच्छा शहर बताया गया है रहने के लिए, ठीक है। और इसमें दिल्ली क्या कर गया है, दिल्ली का 6th place गिर गया है नीचे जाकर, 118वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। तो टॉप पर कौन है, वियना, और दिल्ली हमारी 118वें पोजीशन पे है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, एशियास फर्स्ट 5th generation वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग सिमुलेटर सेंटर वॉज लॉन्च्ड एट चेन्नई। तो एशिया का पहला ऐसा 5th generation का वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एडवांस ड्राइविंग ट्रेनिंग सिमुलेटर सेंटर ओपन कर दिया गया है, और ये कहाँ पर ओपन हुआ है, चेन्नई में। इसमें क्या होगा कि आपको कार की या गाड़ी की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ऐसे ही एक रूम में बैठा कर VR लगा कर, जो वर्चुअल रियलिटी होता है, जैसा देख रहे होंगे आप ये लड़की पहने हुए है, तो ये लगा कर बस आप स्क्रीन में देखेंगे और उसमें आपको सब कुछ दिखेगा, तो आपको बिल्कुल रियल लगेगा, है ना। तो ये कहाँ पर ओपन हुआ है, चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है रोहित बैट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिनोस। तो रोहित शर्मा ने क्या किया है, अभी रोहित फॉर रिनोस कैंपेन स्टार्ट किया है। इसमें जो आसाम में वन हॉर्न रिनो है तो उन पे वर्क किया जाएगा, उनको बचाने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, पीएम टू लॉन्च पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च कर दी है जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। और इसमें जब वो व्यापारी जो भी होगा वो 60 साल की उम्र पार कर लेगा, उसके बाद उसको 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैष्णो देवी श्रीन टॉप्स द लिस्ट ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस। तो वैष्णो देवी जो श्रीन है वो उसको क्या मिला है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस मिला है, ठीक है, उसका अवार्ड इसको वैष्णो देवी श्रीन को मिला है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, द लिस्ट वॉज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो जो ये लिस्ट निकाली गई है ये किसके द्वारा निकाली गई है, किसके द्वारा निकाली गई, जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा, ठीक है। और कौन है इसके मंत्री, तो आपको पता होना चाहिए कौन है इसके मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंडिया अमंग टॉप 10 नेशंस इन गोल्ड रिजर्व्स। तो इंडिया 10वें पोजीशन पे गोल्ड रिजर्व करने, वैसे तो इंडिया के हर घर में बहुत सोना है, अगर सारा सोना अगर बैंकों में आ जाए तो इंडिया हो सकता है 1st पोजीशन पे भी पहुंच जाए, बट ऐसा नहीं है। इंडिया के पास इंडिया क्या है, इंडिया का सारा सोना सबके घरों पर ही है। तो इंडिया किस प्लेस पे है, 10th place पे, ठीक है। और USA लीड्स द पेस पैक विथ 8,134 tons। तो USA के पास 8,134 टन है, उसके बाद जर्मनी के पास है 3,367 टन्स, है ना, और इंडिया के पास मात्र 357 टन्स है ना। तो
India's gold reserve have grown from 357.8 tons in the first quarter of 2002. Sorry, दोस्तों 357 नहीं है, 618 टन्स है इंडिया के पास 2019 में, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. इंडियाज रैंक ऑन वर्ल्ड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. तो अभी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आई है जिसमें टूर एंड ट्रेवल्स की, तो उसमें इंडिया की पोजीशन 34th है, 34वें स्थान पर पहुंच गया है. और ये जो इंडेक्स आती है इसको कौन निकालता है, तो इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा अज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB फॉर द टर्म 2019 टू 2021 एज इंडिया टेक्स ओवर द चेयर फ्रॉम रोमानिया. तो वर्ल्ड जो आपका AWEB के अभी इसको चेयर मिल गई है इंडिया को, इसका जो टर्म है 2029 से 2021 तक का, और इसके पहले ये चेयर किसके पास थी, रोमानिया के पास थी, ठीक है. तो इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, आपको पता होना चाहिए, सुनील अरोरा जी. चलिए आगे देखिए. ग्रोथ ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ड्रॉप्ड टू 2.1% इन जुलाई 2019. तो हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 2.1% गिर गई है जुलाई 2019 में. तो एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है. चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना गिर गई है, 2.1%. नेक्स्ट. अजहर हाफिज एंड दाऊद डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट. तो मसूद अजहर है, हाफिज है, और दाऊद इब्राहिम है, इनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है. तो जैसा कि अभी आपको पता है UAPA बिल आया हुआ था, तो उसमें था कि किसी भी इंडिविजुअल को अब हम टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं, तो उसी बिल के अकॉर्डिंग इन लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया. पहले क्या होता था, किसी भी संस्था को हम टेररिस्ट घोषित करते थे, किसी इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट घोषित नहीं कर सकते थे. तो वो पर्सन उस संस्था को छोड़कर एक नई संस्था बना लेता था, है ना, और फिर हम तो केवल उसी संस्था को ही टेररिस्ट मानते थे. तो अभी जो नया बिल आया है उसमें अब इंडिविजुअल पर्सन को भी टेररिस्ट घोषित किया जाएगा, है ना, तो उसी बिल के अनुसार इनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है. चलिए नेक्स्ट. आगे देखिए. नोबल लॉरेट फ्रॉम बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस वॉज कन्फर्ड द लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट्स फ्रांसिस अवार्ड बाय द वेटिकन. तो जो नोबल विजेता हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, तो उनको क्या मिला है, अभी लैम्प ऑफ पीस एंड सेंट्स फ्रांसिस अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है. कहाँ से मिला है ये, वेटिकन सिटी से. तो ये था आज का करंट अफेयर्स. तो चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.